हाँ तो ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जो पहले एक वीडियो बना ली हमने, पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ इसी लेसन का। वो जो है कुछ हिस्सा मैंने उसे पढ़ा दिया है, लगभग आधा लेसन उसमें पढ़ाया जा चुका है। अब उससे आगे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो इस वीडियो में है। देखिए शुरुआत यहाँ से करने जा रहा हूँ मैं, दिस मॉर्निंग से। अब जो है ना, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि वो जो है ना, एक जो ये बच्चा है इसमें जो जूते पहने हुए हैं किसी के फेंके हुए जूते, और एक दिन वही बच्चा जो है कोई टेनिस का खेल देख रहा है जो उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर है वो खेल। आइए हम पढ़ते हैं इससे आगे। दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन इज वे टू, ऑन इज वे टू की ओर जाते हुए रास्ते में। एक दिन क्या हुआ कि इसी सुबह जो है साहेब जो है द मिल्क बूथ, जो आप अक्सर आप बोलते हो दुग्धशाला, दुग्धशाला या डेयरी जो है ना जिसको आप बोलते हो, उसे की ओर जा रहा रास्ते पर था साहेब। इन किस ओर जा रहा था, दुग्धशाला कह सकते हैं आप, दुग्धशाला की ओर जा रहा रास्ते में साहेब था उसी सुबह। इन इज हैंड, उसके हाथ में इज एक स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या होता है, डोली आदि जो बर्तन होता है एक प्रकार का। कहता है कि उसके हाथ में एक डोली थी, एक कैनिस्टर था, एक जो है कोई ढक्कन वाला कोई बर्तन था। आई नो वर्क इन ए टी आई नाउ नोनी नाउ, अब मैं जो है वर्क काम करता हूँ। क्या कहा साहिब ने, क्या मैं काम करता हूँ इन ए टी स्टॉल, टी स्टॉल चाय की दुकान, डाउन द रोड, उस रोड पर। वहाँ डाउन का प्रयोग होता है किसी सड़क या गली में उसकी लंबाई की ओर इशारा करते हुए, आगे की ओर दूर इशारा करते हुए, उस पर जो एक लंबाई की ओर इशारा करते हुए, या लंबाई की ओर जाते हुए, लंबाई की ओर इशारा करते हुए, लंबाई को दिखाते हुए कि सड़क या गली, विशेषकर उसको ऊपर खड़ा होकर के हम जब दिखाते हैं तो फिर अप और डाउन का प्रयोग हम कर लेते हैं, वहाँ से हमारी ओर अप और वह हमारी से वहाँ और डाउन, इस प्रकार। आइए हम पढ़ते हैं अब इसको और गहराई से। कहता है कि दिस मॉर्निंग, लेखिका बताती है यानी जंग नामक जो लेखिका, वो कहती है कि दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, वहाँ उस रोड पर जो टी स्टॉल है उसमें मैं काम करता हूँ। ही सेज, वही कहता है, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, दूर दूर इशारा करते हुए, किस दूर की जगह में इशारा करते हुए। आई एम पेड, मुझे दिया जाता है 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मील्स भोजन, मुझे जो है तीनों पैर का भोजन यानी सारा भोजन, और जो है मुझे वहाँ पर 800 रुपये दी जाती है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैं पूछती हूँ क्या तुम्हें वो काम पसंद है, कौन की पूछती है, लेखिका यानी जंग। हिज फेस आई सी, मैं देखती हूँ कि उसका जो चेहरा ना हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, केयरफ्री होता है चिंता मुक्त जो लुक होता है, हाव भाव, उसका चिंता मुक्त हाव भाव जो है वो जाता रहा, उसने अपना चिंता मुक्त भाव को खो दिया। ये प्रश्न पूछते ही द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन देन से, अब हैवियर बहुत भारी, अब उसको जो है ना प्लास्टिक जो बैग है ना कट्टा जो अपने साथ रखता था, ही वुड कैरी सो लाइटली, जो इतने हल्के से वह रखता था अपने साथ है, ओवर इज शोल्डर अपने कंधे पर है, उससे भारी हुआ है उसको जो वो कैनिस्टर वो डोली उसको लगने लगी, क्योंकि वो उस समय जो है ना वो अपने मन की मर्जी का मालिक था ना। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग उसका था, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, क्योंकि लेकिन ये डोली जो है ना कैनिस्टर, ये जो है ढक्कन वाला बर्तन, ये उसका उस आदमी का है, हु ओन जो मालिक है द टी शॉप, उस चाय वाली दुकान का जो मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर, नो लॉन्गर अब नहीं, इज नो लॉन्गर अब नहीं है, इज नो लॉन्गर अब नहीं है, साहेब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, अपना खुद का मालिक नहीं है, मास्टर मालिक। अब आगे हम पढ़ रहे हैं एक हिस्सा क्लियर, लेकिन वो जो है सीमापुरी में रह रहे जो बच्चे हैं उनकी दशा के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में, उनके हालातों के बारे में जो लेखिका ने हमें बताया। अब हम पढ़ेंगे एक और जो हिस्सा शुरू हो चुका है इसी लेसन में,
और वो है मुकेश के बारे में। और मुकेश जो है ये सीमापुरी का, तो सीमापुरी की बात हमने कर ली, वहाँ के जो कचरा बीनने वाले बच्चों की बात हमने कर ली, लेकिन जो पढ़ाई रखा है अब हम तो जो है पढ़ेंगे इसमें एक जो है फिरोजाबाद में जो चूड़िया जहाँ पर बनाई जाती है वहाँ के जो बच्चे हैं ना उनके बारे में और बताती, इसी लेसन में उन्हीं जो है ना चूड़िया बनाने वाले जो मकान ये कहीं जो परिवार हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे बेचारे जो काम में लगे हुए हैं अंधेरी कोठरियों में, उनकी आई साइट के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उनकी दशा के बारे में कवि जो है लेखिका हमें बताती है इस लेसन में। आइए हम पढ़ते हैं। जो मुकेश है वो कहता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, यहाँ पर मुकेश की लाइन है। चलो हम ये तो लाइन जो मेन जो लाइन होती है वो आ जाती है, चलो कोई बात नहीं यहाँ से पढ़ेंगे। मुकेश इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट होता जोर देकर कहता, आग्रह करता है, बींग हिज ऑन मास्टर, मुकेश अपना खुद का मालिक बनने के लिए आग्रह करता, जोर देता है कि मैं खुद का मालिक बनूंगा, ऐसा वो आग्रह करता, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, और मैं खुद का मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह दृढ़तापूर्वक कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, आई आस्क, मैं पूछ लेती हूँ। अब लेखिका ने दूसरी जगह के जो है बाल मजदूरों की जो है चर्चा की है इसी हिस्से में, न कि सीमापुरी, और सीमापुरी में जो है ना साहिब नामक जो लड़का है वो ये कहीं के वो जा चुका है उसके ऊपर वाले भाग में जो सीमापुरी में रहते थे कचरा बीनने वाले। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अब जो अन्य जो भाग आया है इसमें हम पढ़ते हैं मुकेश के बारे में, जो एक छोटा बच्चा है चूड़िया बनाने वाले घरों में जो छोटे बच्चे उनकी तरह एक बच्चा ही है, और वह कहता है कि वह खुद का मालिक बनना चाहता है। तभी जो है एनी जंग नामक जो लेखिका वह पूछ लेती है कि क्या आप उन कारों के बारे में जानते हो जो आप मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, तो कहता आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाने सीख लूँगा। ही आंसर वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी नज़रों में जो नज़रें मिलाकर कहता है कि मैं कार चलाने सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स, लूम्स होता है प्रतीत होता है, लाइक ए मिराज, मिराज होता है ये कहें कि एक प्रकार, वैसे तो मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया जाता है, मृग तृष्णा, जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमें जो है जून के महीने में जो सड़क पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धूप की वजह से प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि सड़क हिल रही हो, उठी हुई हो, या पानी उसके ऊपर ठहरा हुआ हो, ऐसा जो उसमें तो थोड़ी बहुत कंपन फील होती है हमें दूर से, वो एक झूठा दिखावा है प्रकाश की वजह से, उसे मृग तृष्णा कहते हैं। तो उसी प्रकार वो एक झूठा जो दिखावा होता है, एक झूठा जो सब मतलब लगने वाली बात होती है, उसी प्रकार लेखिका कहती है कि हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज, उसका जो स्वप्न था वो एक लुक्स लगता है, लूम्स लूम्स यहाँ पर लगता है, लूम्स लुक्स एक ही बात है, लाइक ए मिराज एक मृग तृष्णा की तरह लगता था, तो एक छलावे की तरह लगता है, एमिडिस्ट के बीच द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, इन गलियों की धूल में, धूल के बीच, एवरी अदर दैट जो गलियाँ दैट जो फिल्ड हिज टाउन फिरोजाबाद, जिन गलियों ने उसके कस्बे को जो है पूरी तरह भर दिया है, अर्थात वहाँ पर धूल या ये कहें कि जो जो गलियाँ हैं जो फिरोजाबाद जो कस्बे में वो गलियाँ जो हचार और फैली हुई है ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, और ये जो फिरोजाबाद है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये जो फिरोजाबाद जगह ये अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसमें ना ये जो फील आया हुआ है FIELL, यदि इसमें ऐसा लग जाता तो कुछ अलग ही मीनिंग निकलता, अलग ही जो इसका हम फिर हिंदी बनाते ही रहा यहाँ पर, ये जो फील है यदि इसमें ऐसा लग जाता ना तो फिर थोड़ा सा हटके हम इसको जो एक्सप्लेन करते जो कि किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहा होता, लेकिन अब यहाँ पर फील जो है इससे पहले ऐसा कोई भी जो है ना तो कोई मॉडल आया हुआ है न इसमें कुछ ऐसा है जिससे कि हम ये लगे कि जैसे मैं की फॉर्म के बाद फर्स्ट आती है ऐसा होया हुआ है न, और न ही इससे पहले कोई डूड जाया हुआ है, तो यहाँ पर सीधा ही ये है कि जो फिल है यहाँ पर भरना जिसका अर्थ होता है भरना किसी चीज़ में फैल जाना, तो ये अर्थ है जो पूरे कस्बे में फैली हुई है या ये कहें कि किसी उस कस्बे में वो फैली हुई हैं या फैल जाती हैं फैली हुई हैं, या यदि यहाँ पर ऐसा लगाते ना तो सिंगुलर की ओर इशारा करता, वो वर्ड सिंगुलर की ओर इशारा करता,
लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने अस नहीं लगा रखा, तो लेखिका ने हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। तो वो गलियाँ जो, इसका यहाँ पर वो गलियाँ जो, हालांकि इसका जो मीनिंग है, कई बार ये भी जो है देखने में आया है कि इसका जो मीनिंग है वो धूल के लिए लिया गया है। तो मैं अपनी तरफ से जो मानता हूँ वो ये है कि ये मीनिंग गलियों के लिए टेबल होता है, कि वो गलियाँ जो फिरोजाबाद में चारों ओर फैली हुई, जैसे कि वो फिरोजाबाद गलियों से परिपूर्ण हो, फिल हो। यस, आगे देखिए। अब फिर कहता है कि वो फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद क्या लिखा इसमें देखिए, यहाँ पर फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए जो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है उसका जिक्र है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन, एंगेज्ड इन कमिंग होता है में व्यस्त, प्रत्येक परिवार जो फिरोजाबाद में, प्रत्येक परिवार जो व्यस्त है किसमें, इन बैंगल्स, मेकिंग बैंगल्स, चूड़िया बनाने में व्यस्त है। इट इज द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री उद्योग, ग्लास ब्लोइंग शीशा पिघलाने की जो है एक उद्योग, जो है शीशा पिघलाने का जो उद्योग है, शीशा पिघलाकर जो आइटम बनाया जाता है उसका जो उद्योग है, उद्योग क्षेत्र का केंद्र बिंदु कौन सा है, फिरोजाबाद इज द सेंटर, केंद्र बिंदु। वेयर जहाँ फैमिलीज है उससे पेंट जर्नेशन, जहाँ पर जो है फिरोजाबाद में, जहाँ पर वहाँ के लोगों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं, जर्नेशन पीढ़ियाँ बिताई हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसिज, फर्नेसिज और भट्ठियाँ जिसमें जो आग जलती है और वहाँ पर जो कुछ है, जो आइटम पिघलाकर कुछ बनाने के लिए कोई आइटम को जो पिघलाया जाता है। तो कहता है कि वहाँ पर जो है उन्होंने जो है अराउंड के आसपास या के निकट, उन भट्ठियों के निकट बैठ करके जो है अनेकों वेल्डिंग टाका लगा करके ग्लास, उस कांच को जो चूड़िया के आकार में बनाकर टाका लगा दिया जाता है, और मेकिंग बैंगल चूड़िया बनाते हुए कहता है कि भट्ठियों के पास बैठकर ग्लास को टाका लगाते हुए या उसको जो है वेल्डिंग करते हुए, और उसको जो है वेल्डिंग करते हुए और चूड़िया बनाते हुए, वेल्ड करने वैसे तो होता जोड़ना, टाका लगाना जोड़ना, बैंगल्स फॉर ऑल द वीमीन, ऑल द वीमीन, उन सभी महिलाओं के लिए चूड़िया बनाते हुए इन द लैंड, इट सिम्स लैंड का मीनिंग प्रदेश, अपना देश इंडिया। कहता है कि इसमें जो है भारत की जो सभी महिलाओं के लिए चूड़िया बनाते हुए जो कहता है कि उन्होंने पीढ़ियाँ बिता दी हैं, इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है, लगता है। मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार इज अमंग द, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, चूड़िया बनाने वाले जो परिवार है उनमें से कोई नहीं जानता फैमिली में, दैट इट इज़ इलीगल, इलीगल होता है गैरकानूनी, गैरकानूनी काम है। फोर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसिस विद हाई टेम्परेचर, कहता है कि हाई टेम्परेचर के वाले जो है, हाई टेम्परेचर के साथ जो हाई टेम्परेचर वाली जो भट्टियाँ हैं, फर्नेसिस हैं, उनमें काम करना बच्चों के लिए गैरकानूनी है, एक अपराध है, इस बात के बारे में वहाँ के लोग भी नहीं जानते। इन डिंजी सेल्स, उन डिंजी होता है अंधकार में, गंदगी भरी और अंधकार में सेल्स कोठरियाँ, यहाँ पर है उनकी झुकी झोपड़ी जिक्र है, उनकी कोठरी, उनकी जो ये कहें कि झुकी झोपड़ियाँ जो हैं, सेल्स हैं जो कि अव्यवस्थित है और जो है बिना साफ सफाई की हैं और अंधेरे वाली हैं, डिंजी बिना साफ सफाई और अंधेरे से युक्त, विदाउट एयर, बिना कहता है एयर और एंड लाइट, बिना जो प्रकाश के और प्रॉपर जो है एयर के हैं, उसमें जो है इतने मतलब इतना हाई टेम्परेचर में काम करना गैरकानूनी अपराध है, ऐसी जो है दैट द लॉ, वो का और ऐसा एक कानून है, इफ इन्फोर्स्ड दैट की दैट जो कि द लॉ, अगर वो कानून इफ इन्फोर्स्ड लागू कर दिया जाता है, इफ इन्फोर्स्ड यदि वो कानून लागू कर दिया जाता है, कुड यस द लॉ कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसिस, कहता गेट निकालना आउट ऑफ से बाहर, यदि ये कानून लागू कर दिया जाता है ना, तो उन 20,000 बच्चों को जो है उसे गर्म भट्टियों से बाहर लेके आ सकता है कानून, यदि कानून लागू कर दिया जाए तो। वेयर जहाँ, जहाँ भट्टियों के पास है, दे स्लोग देयर डे लाइट, ड्रॉइंग डे लाइट का मीनिंग है यहाँ पर
दिन का जिक्र है, दिन के आवर समय, कहता दिन के समय में श्लोक कड़ी मेहनत करते हैं। जो बच्चे वहाँ उन भट्टियों के आसपास से उन 20,000 बच्चों को एक कानून बाहर लेकर आ सकता है यदि इस कानून को लागू कर दिया जाए तो सेटिंग से। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें जगमगाती हैं। एज जब ही वॉलंटियर्स जब इच्छा जाहिर करता है टू टेक मी होम, जब वह मुझे घर ले जाने की इच्छा जाहिर करता है तो उसकी आंखें जगमगाती हैं, टमटमाती हैं, उसकी आंखों में चमक है। विच जो घर ही प्राउडली से, जिसको वह गर्व, जिस घर के बारे में वह गर्व से कहता है कि जो इज बींग बिल्ट, बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, हम जो चलते हैं, स्टिकिंग लेंस, स्टिकिंग का मीनिंग होता है बदबू छोड़ने वाली गली, लेंस गलियां, बदबू छोड़ने वाली गलियों से होकर हम जाते हैं। चोकड विद गार्बेज, जो गलियां चोकड होता है, चोकड विद से रुकी पड़ी, जो कि गार्बेज कचरे से रुकी पड़ी थी। पास्ट से होकर होम, उन घरों से होकर निकलते हैं। दैट जो पास्ट से होकर, दैट जो हम उन घरों से होकर निकलते हैं जो रिमेन क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमेंस एंड एनिमल्स, जो कहता है कि उन मानव के परिवारों से या लोगों के परिवारों से, पुरुषों से क्राउड भी तो होता से परिपूर्ण, कहता है कि हम उन छोड़ दी, मैंने यहाँ पर लाइन छोड़ी है, वो लाइन दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। कहता है कि पास्ट होम्स उन घरों से होकर के, दैट जो रिमेन्स आवल्स, आवल्स होता है झोपड़िया, जो झोपड़ियों के रूप में बने हुए हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है यहाँ पर जर्जर, टूटने की अवस्था में, जो कि जर्जर जो है, जिसकी दीवारें हैं वोबली डोर, जिसके जो दरवाजे हैं वो वोबली, वोबली का मीनिंग भी यही होता है डग, ये कहीं खड़खड़ाने वाले, डगमगाने वाले। नो विंडो, जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है, ऐसे जो है झोंकी झोपड़ियाँ वो बनी रही हैं अभी तक, ऐसी झोपड़ियाँ बन के रह गई हैं वो। क्राउड कहता है ऐसी जो क्राउडेड विद, जिसमें भीड़ है, किस चीज़ की क्राउडेड विद से, की भीड़ से परिपूर्ण है, किससे, फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स, उन मानवों और पशुओं के उस परिवार से परिपूर्ण है, परिवार से परिपूर्ण है जो मानव और पशु को एग्जिस्टिंग होता साथ साथ रह रहे हैं। इन ए, यहाँ पर कहेंगे हम प्राइमीवल, प्राइमीवल का मीनिंग होता है प्राचीन स्टेट, अवस्था, हालत, जो कि प्राचीन अवस्था में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन ऑफ सच, वन सच हाउस, वह एक ऐसी मकान के डोर पर वह रुकता है। बैंग्स होता है, खटखटाता है, या ये कहें कि धमाका सा करता है वो। बैंग्स ए वोबली आयरन डोर, एक वो होता खटखटाने वाला, डगमगाने वाला, या कमज़ोर लोह का एक दरवाजे को वह बैंग्स करता है। बैंग का मीनिंग होता है आवाज़ करना, होता है उसे दमदमाने की, विद इज फुट, अपने पैर से, एंड पुशी सीट ओपन, इसको धकेल कर खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सेक, सेक होता है झोपड़ी, हमें एक आधी बनी झोपड़ी में हम एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थेस्ड होता है, ये कहें कि घास फूस से बनी तिकोनी छत, या ये कहें कि तिकोनी छत से बना हुआ कोई, जो तिकोनी छत वाली कोई कुटिया, कहता है इसके ऊपर जो एक तिकोनी छत थी, विद डेड ग्रास, सूखी घास की एक तिकोनी छत वाला हिस्सा था। इज ए फायरवुड स्टोव, कहता है उसका एक हिस्सा जो है, उसके एक हिस्से में जो हिस्सा घास फूस, सूखी घास फूस से तिकोनी छत के रूप में बना हुआ था, वहाँ पर इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ पर एक आग, आग की जो, आग जलाने की जो लकड़ी है उससे जो चलने वाला स्टोव, स्टोव इन चूल्हा, उससे चूल्हे, कहता है फायर स्टोव, फायर वुड स्टोव जो है, ये कहें कि लकड़ी जलाने वाला जो चूल्हा होता है वो वहाँ था। ओवर विच, जिस पर, या जिस पर यानी जिसके जिसके बिल्कुल पास झुक करके सिट्स बैठी है ए लार्ज वेजल, यानी कि यहाँ पर एक, जिस पर एक बड़ा बर्तन बैठा का मतलब क्या हुआ, रखा है, जिसके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ है, वेजल बर्तन, लार्ज बड़ा। ऑफ सीजनिंग सपिनेक लिविज, सपिनेक होता है पालक, जिसमें पालक की पत्तियाँ जो है वो सीजनिंग, सीजनिंग का मीनिंग क्या होता है, सनसना रही, जैसे छोकर लगाते हैं तो उस टाइम होता है सर, वो सनसनाती हुई, या ये कहें कि वो जो है ना उनको फ्राई किया जा रहा है, उस समय जो आवाज़ आती है उस प्रकार की, जो सनसनाती है जो है आवाज़ वाले, जो आवाज़ कर रहे सपेने के, जो पालक के जो पत्तियां हैं उनका, जो पालक की जो ये कहें पक रही पालक की पत्तियों का एक बड़ा बर्तन उस चूल्हे पर सिट्स रखा है, स्थापित है।
टिका हुआ है। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम, एक बड़े एल्यूमिनियम के जो प्लेटर्स होता है, बड़ी बड़ी जो बर्तन होते हैं, आपने तो हम जो है यहाँ पर परात या बड़ी थाली भी कह सकते हैं, कहता है कि जो प्लेटर्स, जो बड़ी बड़ी जो थालियाँ हैं, पराते हैं, आर मोर ड्रॉप्ड वेजिटेबल्स, कहता है कि चौपड़, सॉरी चौपड़, उसमें चौपड़ में कटी हुई, उसमें कटी हुई सब्जियाँ है, बड़ी बड़ी थालियाँ उनमें कटी हुई सब्जियाँ हैं, एल्यूमिनियम के हैं वो थालियाँ, फ्रेल, फ्रेल मीन्स दुबली पतली, एक दुबली पतली जो है यंग वुमेन, एक युवा महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, मील भोजन, वो सायकाल का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली, द होल मीन संपूर्ण, सारे परिवार के लिए, संपूर्ण परिवार के लिए, थ्रू आइज, आँखों से, फील्ड विद, उसकी जो आँखों, फील्ड विद स्मोक, जो फील्ड विद से परिपूर्ण है, जो धुएं से परिपूर्ण है उसकी आँखें, उन आँखों से सी समय जब मुस्कुराती है, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है वो, मुकेश कौन, जिसको, जो लेखिका को अपने घर लेके आया है, इस कुटिया में लेके आया है, कौन है वो, वो एक, ये कहेंगे फिरोजाबाद में एक ऐसा लड़का है जो अपने पूर्वजों की तरह चूड़िया बनाने वाले काम को पसंद नहीं करता, बल्कि वह अपने खुद का मालिक बनना चाहता है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, कहता है वो जो है उसका भाई भी जो है, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं, सी हैज बिगन, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो, सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, उसने जो है सी हैज बिगन, उसने शुरू कर दिया टू कमांड रिस्पेक्ट एज ए बहू, बहू के रूप में जो एक जो रिस्पेक्ट, बहू के रूप में जो एक सम्मान होता है उसको जो उसने मानना शुरू कर दिया है, कमांड रिस्पेक्ट एज का भी नहीं होता के रूप में जो एक सम्मान हासिल करना, उसने जो अब एक रिस्पेक्ट पर जो है एक अपना जो एक ये कहें कि बहू के रूप में एक जो सम्मान होता है उसको, उसके ऊपर एक रुतबा बनाना शुरू कर दिया है, ये कहें वो अब एक बहू के रूप में वो यहाँ पर है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की डॉटर इन लॉ भी कह सकते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी इन द इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, पहले से वो तीन इंचार्ज है, अर्थात तीन लोगों का जो है जिम्मेवारी लिए हुए है, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, वेन जब द ओल्डर मैन एंटर, जब बड़ा बुजुर्ग आता है, सी जेंटली हल्के से विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, ब्रोकन टूटी हुई, विदड्रॉज खींच लेती है, जब बड़ा बुजुर्ग आता है तो वह हल्के से, यानी कि बड़ा बुजुर्ग कौन, मुकेश का फादर, तो वह हल्के से जो है टूटी हुई दीवार के पीछे की ओर अपने आप को खींच लेती है, चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर, ब्रिंग्स ब्रिंग्स हर वेल, वेल होता है घूंघट, और अपना घूंघट जो करती है क्लोज टू हर फेस, अपने मुँह के नज़दीक घूंघट कर लेती है, बिफोर के सामने, मेल एल्डर्स, बिफोर का मीनिंग से पहले नहीं, के सामने, उस जो पुरुष जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने, वह जो है एक मिनट इसमें एक लाइन छोड़ दी मैंने, एज कस्टम डिमांड, जैसे कि उनकी जो है कस्टम या रीति रिवाज जो है ऐसा उसमें है, कस्टम डिमांड, जैसे कि उनकी रीति रिवाज में डिमांड है या जैसे उनकी रीति रिवाज में ऐसा होता है, क्या होता है कि डॉटर इन लॉज होती हैं, डॉटर्स इन लॉज होती हैं, मस्ट वेल वॉश, घूंट करती हैं, देर फेसिस अपने चेहरे को ऊपर को घूंट से ढकती हैं, बिफोर के सामने, मेल एल्डर्स के सामने, इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड, और कहता है इस केस में यदि हम देखें तो जो एल्डर है ये बड़ा बुजुर्ग है, इज एन इम्प्रोविस्ड होता है, ये कहें कि गरीब वंचित या गरीब, इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर है, चूड़ियाँ बनाने वाला है, डिस्पाइट की बजाय लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, कड़ी मेहनत के कई साल के बावजूद भी, डिस्पाइट के बावजूद भी, के अलावा भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले तो टेलर के रूप में कड़ी मेहनत की इसने, देन फिर ए बैंगल मेकर के रूप में, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी, ही हैज फेल टू रेनोवेट, रेनोवेट होता मरम्मत करना, संवारना, ए हाउस वह घर को मरम्मत कराने में असफल रहा, और सेंड इज टू सन्स टू स्कूल, और अपने दो बेटों को स्कूल भेजने में और घर की मरम्मत कराने में असफल रहा, आल वो सब जो ही हैज मैनेज टू डू, वो सब जो है मैनेज सफल हुआ, वो सब जो है करने में सफल हुआ, टू डू करने में मैनेज हुआ, सफल हुआ, इज वो है टिच पढ़ाना सिखाना, देम उन बच्चों को सिखाना, व्हाट ही नोज, वह जो खुद जानता है, क्या जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़िया बनाने की कला, बस यही सिखा पाए अपने बच्चों को, इट इज हिज कर्मा, यह उनका कर्म है, इज डेस्टिनी, यह उनकी किस्मत है, डेस्टिनी किस्मत, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो है दादी जी कहती है कि ये तो उनका क्रम है, उनका किस्मत है चूड़िया बनाना, तो हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड, वॉच्ड देखा, जिसने अपने हस्बैंड को देखा है,
गो ब्लाइंड, अंधे अंधा होना होता है, जिसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है, विद द डस्ट, उस धूल से जो धूल है, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश होता है वैसे पॉलिश करना, जैसे चूड़ी के ऊपर जो पॉलिश की जाती है या चावल के ऊपर पॉलिश की जाती है, तो लेकिन जो है ना चावल के ऊपर जो पॉलिश की जाती है वो तो एक अलग होता है, मांड होता है, लेकिन यहाँ पर चूड़ी में जो पॉलिश की जाती है ना, वहाँ पर जो है एक खतरनाक जो एक पाउडर होता है वो हमें दिखाई देता है, कांच का। कहता है कि फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों को जो है कांच की जो है, ये जो चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों का जो कांच का जो है, ये कहें कि चूड़ियाँ जो है उनका जो है कांच है, उस कांच से जो उस कांच को पॉलिश करने से जो धूल उठती है, उस धूल से वह उसको अपने हस्बैंड को उसने अंधा होते हुए देखा है। फिर कहती है इसमें कैन ए गिवन गॉड, गिवन गॉड होता भगवान द्वारा दिया हुआ, भगवान द्वारा प्रदत्त लाइनेज होता, वंशावली या वंश क्रम, एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान द्वारा दिया हुआ ये जो लाइनेज है या पारिवारिक जो धंधा है, लाइनेज पारिवारिक धंधा भी कह सकते हम, ये क्या इसको तोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। सिस इम्प्लाइज वह जो ऐसा उसका कुछ ऐसा अर्थ है, वह अपना कुछ अपना ऐसा अर्थ दिखाती है, ऐसा वह बोलती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़िया बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर के, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने बट के अलावा, चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, अन्य प्रत्येक घर में, एवरी अदर यार्ड प्रत्येक अन्य आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के प्रत्येक गली में, उन्होंने हर जगह चूड़िया ही चूड़िया देखी हैं। स्पाइरल जो होता है गोल रूप, गोलाकार जो चीज़ें हैं उनका, यानी कि चूड़ियों जो है जो गोल रूप है, और बैंगल चूड़ियों के जो गोल गोल रूप होते हैं, सन्नी कलर की, सन्नी गोल्ड होता है, चमकीले सूर्य कलर की, यानी कि सुनहरे कलर की कहीं, यहाँ पर सफ़ेद चमकीला सफ़ेद सुनहरा जो कलर होता है, ये वैसे सन सूर्य से बना, ये सन्नी गोल्ड चमकीला जो जो है सुनहरा कलर की, पैडी ग्रीन होता है बिल्कुल, यानी कि धान की तरह ग्रीन, पेडी मीन्स वैसे धान होता है, पेडी ग्रीन बिल्कुल जो है हरी, और रॉयल ब्लू शाही कलर का नीला रंग, और शाही नीला रंग, और पिंक पर्पल बैंगनी पिंक गुलाबी, एवरी कलर बो प्रत्येक कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, जो जो इंद्रधनुष, रेनबो इंद्रधनुष के सात कलर से आउट ऑफ, जो बोर्न आउट ऑफ से निकला हुआ, कहता है कि इंद्रधनुष के सात जो रंग हैं उनसे निकला हुआ प्रत्येक कलर आप इस चूड़ियों में, इन चूड़ियों में देख सकते हैं, इन चूड़ियों का प्रत्येक कलर देख पाएंगे। और कहता है कि इस सभी प्रकार की चूड़ियाँ यहाँ पर इसमें बताई गई हैं, यहीं पर है मौजूद है, और इन्हीं चूड़ियों को अलावा इन्होंने कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में। और कहता है ये सब चूड़ियाँ लाई पड़ी है इन माउंड्स, माउंड होता ढेर, सब ये सब चूड़ियाँ जो ढेर के रूप में पड़ी हैं, माउंड्स ढेर, इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, यार्ड्स आंगन, अनकेम्प्ट होता है अस्त व्यस्त, अस्वस्थ अस्त व्यस्त जो आंगन है उसमें ये पड़ी हुई हैं। और कहते हैं ये सब चूड़ियाँ आर पाइल्ड पाइल्ड ढेर लगी हुई है, ढेर लगी हुई है ये सब चूड़ियाँ, ऑन फोर व्हील्ड एंड एंड क्राफ्ट्स, और एंड क्राफ्ट्स होता है हाथ से खींचे जाने वाले छकड़े, यानी कि रेडी जो बोलते हैं हम, कहते हैं कि जो हाथ से चलाए जाने वाले जो रेडिया हैं या छकड़े हैं उनके ऊपर भी ढेरों जो है ये ढेर लगी पड़ी है। पुस्ड जो धकेले जाते हैं ये छकड़े बाई यंग मैन, युवा व्यक्तियों के द्वारा, युवा पुरुषों के द्वारा, अलोंग द नैरो लेंज, लेंज मीन गलियाँ, नैरो होता तंग, तंग गलियों से होकर उनको जो है धकेला जाता है उन छकड़ों को। ऑफ द सांटी टाउन, सांटी कामनिंग होता है यहाँ पर, ये कहें कि झुग्गी झोपड़ियों वाला, झुग्गी झोपड़ियों वाला जो है टाउन कस्बे की इन तंग गलियों से होकर के जिन छकड़ों को खींचा जाता है उन छकड़ों पर भी ढेरों, या ये कहें ढेरों में के रूप में चूड़ियाँ रखी हुई है। एंड और इन द डार्क हटमेंट्स, हटमेंट्स क्या होता है, झोपड़ियाँ ही होता है, कहते हैं उन अंधेरे वाली झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, नेक्स्ट टू के बिल्कुल बगल में, लाइन्स पंक्तियाँ, फ्लेम ज्वालाएँ, फ्लिकरिंग टिमटिमाती हुई, ऑयल लैम्प्स तेल से चल रहे जो लैम्प्स हैं, दिए हैं उनकी जो है टिमटिमाते हुए तेल के जो दिए हैं, जगमगाते हुए तेल के जो दिए हैं उनकी ज्वालाओं की लाइन के बिल्कुल पास में सिट बैठी है, बैठे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियाँ बैठे हैं, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने मम्मी पापा के साथ, और वेल्डिंग पीसीज और जो है ऑफ कलर्ड ग्लास, कलर्ड रंग बिरंगी चूड़ियों के जो पीस होते हैं उनको वेल्डिंग कर रहे हैं, टाका लगा रहे हैं,
और टाकर अगर बना रही है क्या इंटू सर्कल ऑफ बैंगल, चोरियों के जो सर्कल्स बना रही है, चोरियों को गोला रूप में उनको डाला जा रहा है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू, उनकी आँखें ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं, एडजस्टेड टू होता है की और मतलब के अनुकूल हो चुकी, कहता है उनकी आँखें जो है एडजस्टेड हो चुकी हैं टू द डार्क, अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं, देन बजाय टू द लाइट आउटसाइड, बाहरी प्रकाश से, बाहरी प्रकाश की बजाय उनके जो है आँखें जो अंदर ही ज़्यादा अंदर वाले अंधेरे की ज़्यादा वो जो है अनुकूल हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे ओपन वे अक्सर एंड एंड अप होता है आप ये कहें की अवस्था में आप पहुँचते हैं, लूजिंग खोना देर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, एडल्ट वयस्क है वो बड़ी उम्र में, कहता है कि वे वयस्क हो जाते हैं बच्चे उससे पहले ही वे अपनी, यही दैट इज़ वाई यही कारण है कि वो वयस्क बनते हैं उससे पहले वो अपनी आई साइट खो बैठते हैं वो बच्चे। सविता ए यंगर, सविता वहाँ पर एक यंगर है, इन ए ड्रेप, ड्रेप का मीनिंग यहाँ पर नीरस या फीकी, पिंक ड्रेस वह जो है फीके जो है गुलाबी रंग की ड्रेस पहने हुए है जो वो यंगर है सविता जो सीट्स बैठी है अलोंग साइड के निकट एन एल्डरली वुमेन, एल्डरली होता है बड़ी उम्र की, बड़ी उम्र की महिला के पास बैठी हुई है, शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास जो कांच की जो टुकड़े हैं उनको टाका लगा रही है, यानी कि उनको जो है गर्म करके जोड़ रही है, गर्म टाका लगा कर जोड़ना होता है शोल्डर, एज हैंड्स जैसा और कहता जब उसके हाथ जो मुँह मैकेनिकली, कहता है कि जब उसके हाथ जो हिलते हैं मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, मशीन के टोंग्स की तरह, टोंग्स क्या होता है वो दिखाए वो आपको बता देता हूँ मैं, ये टोंग्स है, चिमटा भी बोल देते हैं कई बार इसको हम, तो यहाँ पर जो चूड़िया, यहाँ पर जो चूड़िया है इस प्रकार इसमें, तो कहता है कि वह जो है एक मिनट मैं लाइन देख लेता हूँ कहाँ आ गया मैं, यह सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, मैकेनिक होता है मशीन की तरह उसके हाथ चलते हैं, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि किसी मशीन के जो जो टोंग्स होता चिमटे जो होते हैं इस प्रकार जो अभी भी मैंने डिज़ाइन बनाया है उस उनकी तरह उसके हाथ जो काम कर रहे हैं। आई वंडर, जब ऐसा उसके काम कर रहे हैं तो आई वंडर मुझे हैरानी होती है, इफ क्या सी नोज द सेंक्टिटी होता पवित्रता, क्या वह पवित्रता को जानती है, ऑफ द बैंगल चोरियों की सेंक्टिटी पवित्रता, क्या वह चोरियों पवित्रता को जानती है, सी हेल्प्स मेक, जिनको वह बनाने में मदद करती है, इट सिम्बोलाइज, यह प्रतीक है एन इंडियन वोमेन सुहाग, ये एक जो है भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है ये जो चूड़िया है, ये चूड़ी है, ऑस्पेसिस होता है शुभता का प्रतीक है, इन मैरिज और शादी में शुभ अवसर का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, शुभ बात का प्रतीक है, ऑस्पेसिसनेस, ऑस्पेसिसनेस शुभता, इट विल ड्रा, इट विल डाउन ऑन हर सडनली, डाउन ऑन दिमाग में आना, इट विल डाउन ऑन हर, यह उसके दिमाग में आएगा सडनली अचानक वन डे व्हेन, जब हर हेड इज ड्रेप्ड इन ड्रेप्ड विद होता है ये कहे कि से रंगा हुआ या से ढका हुआ, से ढका हुआ हो गया यहाँ पर, कहता है जब उसका जो सर ढका हुआ होगा विद ए रेड वेल, लाल घूंघट से, हर हैंड्स ड्राई डाइड होता है डाइड रंग किया, जब उसके जो हाथों पर रेड कलर होगा विद हेना, हेना होता मेहंदी, मेहंदी से उसके हाथ लाल होंगे और उसका सर जो है लाल घूंघट से ढका हुआ होगा, तब उसको पता चलेगा ये जो चूड़िया किस चीज़ के प्रतीक हैं, किस कौन सी जो शुद्धता का प्रतीक हैं, एंड रेड रेड बैंगल्स और लाल चूड़िया रोल्ड घूमती हुई घूम रही होंगी इन टू हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में रिस्ट में कलाइयाँ रोल्ड ऑन टू होता पर घूमना, जब वो घूम रही होंगी तब उसको पता चलेगा, सी विल देन बिकम, तब उसको पता, तब वह बन जाएगी ब्राइड, तब ब्राइड दुल्हन, तब वह एक दुल्हन हो चुकी, तब दुल्हन बन जाएगी, तब वह जो है दुल्हन हो जाएगी, हो जाती है, तब उसको पता चलेगा, लाइक द ओल्ड वुमेन, उस बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड का मीनिंग एनिकट बिसाइड हर, जो उसके पास बैठी है ना एक बूढ़ी महिला उसकी तरह, हु बिकेम ए वन मैनी ईयर्स एगो, वन मैनी ईयर्स कई साल पहले, जो कई साल पहले एक दुल्हन बन चुकी है, बिकम वन, वह एक दुल्हन बन चुकी थी मैनी ईयर्स एगो कई साल पहले, सी स्टिल वह अभी भी हैज बैंगल्स, अभी भी वो जो उसके अभी भी हैज ओन पहने हुए है, अभी भी वह चूड़िया पहने हुए है ऑन रिस्ट कलाई पर, बट लेकिन नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है, क्या बोलती है वो महिला, बूढ़ी महिला,
वो बोलती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज वह कहती है इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में ड्रेन्ड ऑफ सेवनचित के बिना, जो आवाज़ जो खुशी के बिना वो आवाज़ थी उसमें, वह कहती है सी एट नॉट इंजॉयड, उसने जो है इंजॉय भी नहीं किया अपनी लाइफ में इवन वन फुल मील, एक भरपूर भोजन का, फुल मील होता है भरपूर भोजन का, इन हर इंटायर मैंने सारी लाइफ टाइम में भरपेट भोजन भी नहीं खाया उसने। दैट्स वाट, यही वो बात थी जो सी एज रिप्ड, यही वो बात है जो सी हैज रिप्ड, जो उसने जो है रिप का मीनिंग, वैसे तो कई अर्थ होते हैं रिप के, कमाया, रिप्ड मीन्स कमाया, यही वो एक मात्र जो है थोड़ा बहुत जो खाना है यही उसने पाया है जो जिससे उसको पेट भी नहीं भरता। कहता है कि यहाँ पर लेखिका बताती है बस इतना ही उसने हासिल किया, रिप्ड हासिल किया भी कहते हैं, बस इतना ही उसने हासिल किया, यही वो बात वो चीज़ है लाइफ में तो उसने हासिल की, यानी बहुत कम उसको लाइफ में संतोषजनक बातें या और चीज़ें मिली हैं। हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी है जो विद ए फ्लोइंग, फ्लोइंग होता है लहर, लहरिया, लहरिया बियर्ड दाढ़ी, जो लहर ये कहें कि लहरिया एक दाढ़ी है उसकी, या ये कहें कि जबरूर हिलने वाली दाढ़ी उसकी, फ्लो का मीनिंग होता है वैसे तो बहना एक लहर में, कहता है कि इसकी जो है एक अच्छी खासी दाढ़ी है उसकी। सेज कहती है आई नो, और वह कहता है, वो बड़ा बुजुर्ग कहता है, उसका हस्बैंड कहता है, क्या कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ एक्सेप्ट को छोड़कर चूड़ियों के अलावा मैं नथिंग कुछ भी नहीं जानता, ऑल आई हैव डन इज ए, जो वो सब जो मैंने किया है वो है मेक बनाना ए हाउस फॉर द फैमिली, परिवार के लिए एक मकान बनाना, टू लिव इन रहने के लिए बस, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम, यह सुनकर के वन वंडर, एक व्यक्ति को हैरानी होती है, एक व्यक्ति को हैरानी तो होती है, इफ क्या ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि बहुत से लोग अपने लाइफ टाइम में जो अपने लाइफ भर में एस्पल होते हैं जो काम करने में, व्हाट जो अचीव्ड प्राप्त करने में, कहता है उसने वो प्राप्त कर लिया, क्या उसने यह है, मैं हैरानीपूर्ण विचार करती हूँ, एक व्यक्ति हैरानीपूर्ण विचार करता है, एक व्यक्ति को हैरानी होगी क्या इफ का मीनिंग यहाँ पर, क्या उसने वो सब, क्या उसने वो हासिल किया जो बहुत से लोग एस्पल हो जाते हैं अपने लाइफ टाइम में, क्या मकान बनाने में, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, आखिरकार उसकी छत पर, उसके सर पर छत तो है जिसको वो सफल हुआ रखने में, बनाने में। फिर कहता है इसमें कि द क्राई ऑन ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, कहता है हैविंग मनी पैसा होना, नॉट हैविंग पैसा न होने की जो क्राई चीख है, आवाज़ है टू डू एनीथिंग कुछ करने के लिए, पैसा न होने की जो चीख है एक्सेप्ट बजाय कि कैरी ऑन द बिजनेस, कैरी ऑन चालू रखना, धंधा चालू रखने की बजाय कुछ करने के लिए पैसा ही न होना, कौन सा धंधा, और मेकिंग बैंगल चूड़िया बनाने का जो धंधा चालू रखने की बजाय कुछ कर न करने के लिए पैसा न होने वाले जो चीख है, नॉट इवन इनफ टू इट, वो खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में जो है ये चीख बजती है, ये प्रत्येक चीख यही है प्रत्येक घर में। और द यंग मैन इको, और जो युवा आदमी है इको द लेमेंट, इको होता है उनकी जो गुंज है, उनकी आवाज़ में यही बात दोहराई जाती है, वो पश्चाताप, लेमेंट पश्चाताप वाली बात, ऑफ देयर एल्डर्स, उनके बड़े बुजुर्गों का जो पश्चाताप है, बड़े बुजुर्गों के कारण जो पश्चाताप है वही केवल गुंजता है, उनके बड़े बुजुर्गों का भी यही एक दुख है, गुंजता है, लेमेंट पश्चाताप दुख, एल्डर्स बड़े बुजुर्ग, लिटिल छोटे जो है उनके पूर्वज, पूर्वजों के जो है बाद में जो छोटे जो लोग हैं बच्चे हैं, हैज़ मूड विद टाइम, उस समय लिटिल का मीनिंग यहाँ पर बहुत बहुत कम, न के बराबर, बहुत कम, मूड विद टाइम समय के साथ साथ बहुत कम ही कुछ बदल पाया, यानी कि न के बराबर परिवर्तन हो पाया, समय के साथ साथ भी वैसे ही रहे। इट सीम्स ऐसा लगता है इन फिरोजाबाद में तो कि बहुत कम बदलाव है, ईयर्स ऑफ माइंड नबलिंग, दिमाग को हिला देने वाले जो है टॉयल, मेहनत के कई साल है, उन कई सालों ने भी किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव ने शुरुआत को ही खत्म कर दिया, पूर्णतः खत्म कर दिया शुरुआत को, इनिशिएटिव शुरुआत श्री गणेश, एंड द एबिलिटी होता है क्षमता योग्यता को खत्म कर दिया, टूटरिंग सौपन देखने की योग्यता को ही खत्म कर दिया,
कि कुछ किया जाए उस योग्यता, ऐसी योग्यता है कुछ स्वपन देखा जाता है कुछ किया करने के लिए शुरुआत के लिए, उसी एबिलिटी को भी मार दिया इस मेहनत ने। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होता है ये सहकारी, एक सहकारी संस्था के रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते। ऑर्गेनाइज होता है इकट्ठा करना या समूह बनाना। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवा जो पुरुष उनके उनसे आग्रह करती उनसे पूछती हूँ कि हु है वो फॉलन इन टू द वे, विशेष सर्कल, विशेष होता है दुष्, खराब सर्कल चक्कर, दो दुष्चक्कर में फंस चुके हैं वो मिडल मैन बिचौलियों के, हु ट्रैप्ड, जिन्होंने जो है ट्रैप्ड होता फंसा लिया, देर फादर्स को फंसा लिया था एंड फोर फादर प्रोजो, उनके उनके फादर और प्रोजो को जो फंसा लिया था अपने चक्कर में, दुष्चक्कर में, उन्हें जो है मिडल मैन बिचौलियों ने, बिचौली जो बिचौलिया करने वाले जो लोगों ने, कहता है कि जो उन बिचौलियों के षड्यंत्र में जो फंस चुके लोग हैं उनसे मैं कहती हूँ, पुरुषों से कहती हूँ कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव रूप में इकट्ठे क्यों नहीं कर लेते। कोऑपरेटिव होता सहकारिता, एक से या सहकारी संगठन। इवन ही भले ही, अब वो जवाब क्या देते हैं वे, इवन ही भले ही वी गेट ऑर्गेनाइज, और गेट ऑर्गेनाइज होता है एक एक समूह बनाना, एक संगठित होना, भले ही हम जो एक संगठित हो जाए समूह बना लें, वी आर द वंस, हम वो लोग हैं हु विल बी होल्ड अप होता है घसीटा जाना, जिन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा बाय द पुलिस और बेटिन पीटा जाएगा, ड्रेग्ड होता है घसीट कर डाल दिया जाएगा टू जेल, जेल तक घसीटा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ड्रेग्ड घसीटा जाना। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गलत इलीगल होता है गैरकानूनी, कुछ गैरकानूनी करने के जुर्म में, और देश ऐसा वे बेचारे बताते हैं, देर इज नो लीडर अमंग दैम, उनमें कोई लीडर नहीं है, उनमें कोई जो नेता बनने वाला नहीं है, अगर व्यक्ति नहीं है, नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कुड हेल्प दैम, उन जो उनकी मदद कर सके सी थिंग्स डिफरेंटली, कि चीज़ों को अलग देखने में उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं है, केवल वो एक बात हीन भावना के शिकार, वो हीन भावना से देखते हैं हर बात को, तो कहता है अलग से देख, उनको दिखाने में मदद करने वाला कोई नहीं है। देर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी इतने जो है थके हुए और हारे हुए हैं जितने कि वे हैं। दे टॉक एंडलेसली इन स्पायरल, होता है घुमावदार, या ये कहे चक्रीय, एक कहते हैं कि इन्हें स्पायरल, एक घुमा फिरा कर उसी रूप में वो बातें करते रहते हैं, एंडलेसली होता है निरंतर लगातार बातें करते रहते हैं, घुमा फिरा कर वही बातें करते रहते हैं, भाई हम क्या करें क्या करें, इस प्रकार घुमा फिरा के वो अपने आप को हीन भावना पर ले आते हैं। इन्हें स्पायरल का मीनिंग होता है एक घुमावदार अवस्था में, दैट एक ऐसे चक्र, एक चक्कर में वो बातें करते हैं, एक दैट जो चक्कर मूव फ्रॉम पावर्टी, जो चक्कर उनकी गरीबी से शुरू होता है टू एपैथी, उनकी गरीबी से शुरू होता है एपैथी होता है अनिच्छा तक, अनिच्छा की ओर जाता है, अनिच्छा से टू ग्रीन लालच की ओर जाता है एंड टू इनजस्टिस अन्याय की ओर जाता है, इस प्रकार चक्कर चलता रहता है। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो डिस्टिंक्ट होता है स्पष्ट भिन्न, मैंने दो स्पष्ट वर्ल्ड दुनिया देखती हूँ उनकी बातें सुनकर के। वन ऑफ द फैमिली, एक तो उन परिवार का परिवार वाली वर्ल्ड दुनिया, वन एक तो ऐसी दुनिया, ऑफ द फैमिली जो परिवार की है, जो काट इन फंसी पड़ी है, काट इन फंसी हुई है, वेब मीन जाल ऑफ पावर्टी, जो गरीबी के जाल में बर्डन और बोझ युक्त है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उस जाति के स्टिग्मा कलंक से बोझ युक्त है, बर्डन है, बोझ युक्त है उस कास्ट की स्टिग्मा कलंक से, स्टिग्मा कलंक से, इन विच जिसमें दे आर बोर्न, जिनमें उनका जन्म हो चुका है। द अदर, और दूसरा जो दूसरी जो दुनिया है, ए विशेष सर्कल, वो एक दुष्ट चक्र है ऑफ द साहूकार, साहूकारों का, साहूकार साहूकारों का, मिडलमैन का, बिचौलियों का, पुलिसमैन का, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, कीपर्स के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियन होता है राजनीतिक लोग, इन सभी का एक दुष्ट चक्र की एक दुनिया है। टैगेदर, साथ साथ दे हैव इम्पोज्ड, इसके साथ साथ दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इम्पोज होता थोप दिया, बैगेज होता है वजन सामान, ऑन द चाइल्ड, और उन्होंने अपना जो ये वजन, ये जो है सामान थोप दिया है ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, दैट कि जिसे ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वह उतार नहीं सकते, कहता यही बैगेज, यही सामान, यही काम का एक वजन उन्होंने अपने जो बच्चों पर रख दिया है, जिनको उनके बच्चे बेचारे उतार कर नहीं रख सकते, अर्थात तो वो भी जो चूड़ियाँ बनाते रहेंगे। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वह सचेत हो जाता, बच्चा अवेयर हो जाता, ही एक्सेप्ट इट, वह इसको स्वीकार कर लेता, इसके बारे में परिचित होने से पहले इसको स्वीकार कर लेता है धीरे धीरे,
एज नेचुरली एज इज फादर, उतना नेचुरली जितना कि उसके फादर ने स्वीकार किया था वो काम धंधा चूड़िया बनाने वाला धंधा। टू डू एनीथिंग कुछ एल्स, कुछ अन्य एनीथिंग एल्स, कुछ अन्य टू डू करने के लिए, कुछ अन्य करने के लिए, कुछ अन्य करने में वुड मीन, कुछ अन्य करने का मीन मतलब है टू डेयर, डेयर होता है चैलेंज करना, हिम्मत करना, कहता है इसका मतलब है कि कुछ बहुत ज़्यादा हौसला दिखाना, हिम्मत करना, चैलेंज करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, ग्रोविंग होता बड़ा होना, उस बच्चे का बड़े होने का एक हिस्सा नहीं है कि वह हिम्मत दिखाए, डेयरिंग मीन्स साहस हिम्मत दिखाए। वेन आई सेंस ए फ्रेश, फ्रेश होता है आवाज चमक ऑफ इट इन मुकेश, जब मुझे कुछ बदलाव की हिम्मत की जब मुकेश मैंने ये आवाज नजर आई, आई एम चीयर्ड, मुझे प्रसन्नता हुई, मैं खुश हुई, चीयर्ड प्रसन्न खुश, क्या थी ऐसी आवाज। उसने कहा था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, न कि चोरी वाला काम के अलावा। तो ये एक उसके अंदर एक डेयरिंग साहस की एक हिम्मत किया चैलेंज करने की बात थी उसके अंदर। उसने क्या कहा था कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोहराता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज, गैराज या गैरेज दोनों उच्चारण इसके, वह जो एक जो है कार वाले स्थान पर जाएगा, गैरेज होता कार खड़ी करने का या रिपेयरिंग का जो जगह होती है, वहाँ जाएगा एंड लर्न, सीखेगा काम। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से बहुत दूर है वो गैराज। आई विल वॉक, वह मैं अवश्य जाऊँगा पैदल, वॉक पैदल जाना, मैं अवश्य पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है, इंसिस्ट जोर देकर कहता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एट प्लेन, क्या पे प्लेन हवाई जहाज, क्या पे एक हवाई जहाज को फ्लाई करने का भी सपना देखते हो क्या। ही इज ए इज समाल ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वह साइलेंट हो गया। नो नहीं, ही सेज, वह कहता है, स्टैंडिंग खड़े हो, स्टैंडिंग लगातार देखना, खड़े स्टैंडिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए जो है वह कहता है नो, यानी कि सर झुकाकर कहता है नहीं, इसके ये उसके बस की बात नहीं है। इन ही जो समाल मरमर, मरमर होता है धीमी आवाज़ में, बड़बड़ाहट, अपने धीमी आवाज़ में जो है बड़बड़ाहट सी आवाज़ में, देर इज एन एम्ब्रेस्ड, उसकी एक एम्ब्रेस्ड होता श्रम, उसके जो एक धीमी आवाज़ में एक श्रम सी है, दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी तक उसकी टर्न्ड इनटू में बदली, जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है, क्योंकि उस श्रम की वजह से वो यहीं पर है आज। कहता है कि रिग्रेट, पश्चाताप होना चाहिए उनको कि वो श्रम करके यहीं रहें। तो कहता है कि वो उन्हें जो है इसी, कहता है कि उनकी जो ये एम्ब्रेसमेंट है, श्रम है, एक लज्जा है, एक जो है अपने आप की बेइज्जती फील करते हैं वो, इस वो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है, रिग्रेट में पश्चाताप। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों का स्वप्न देख करके ही संतुष्ट है, ऑफ के बारे में, वह कारों के बारे में स्वप्न देख करके कंटेंट में संतुष्ट है। नो कहता है दैट जो कारे ही सीज, वह देखता है, हटलिंग डाउन होता तेज से जाते हुए, जिनको जिन कार को वह तेज जाते हुए देखता है, द स्ट्रीट्स ऑफ द इस टाउन, अपने कस्बे की गलियों से, फ्यू बहुत कम ही, न के बराबर एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरती हैं, बहुत कम ही ऐसी एरोप्लेन है जो उनके फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरती हैं। आज का ये लेसन इतना ही था, ये जो सेकेंड पार्ट है, जो पहला पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ और वो मैंने अपलोड भी कर दिया है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।